बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डियर व्यूअर्स मैंने आपको कहा कि इंग्लिश रीडिंग स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा 25 साल से ज्यादा अरसे का जो तजर्बा है उससे मैंने सीखा कि हमारे, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इंग्लिश रीडिंग में बहुत कमजोर हैं। खास तौर पर मैंने नाम लिया सरकारी स्कूल्स के, तकरीबन मेरा ख्याल है 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे ही हैं। मैं सरकारी स्कूल्स को इस बात का दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन जो एक हामी है हमारे बच्चों में वो मैं बयान करना जा रहा हूं। और जो प्राइवेट गली माल लेके जो स्कूल है उनमें भी तो बहाल, उनसे भी बुराई है। तो है अल्लाह ताला की जात, हम सबको अगर कोई ऐसा मसला हम क्रिएट करते हैं कि हाँ मसला है, तो सबसे बेहतरीन इंसान वो है ना सिर्फ उस मसले को उजागर करे बल्कि उस मसले को हल भी करे, ना उस मसले का हल तलाश करे। तो आइए आज से बाकायदा तौर पर लेक्चर 1 है इंग्लिश रीडिंग स्किल्स का। तो इंग्लिश रीडिंग स्किल्स में आपने देखा इंग्लिश का कोई भी लफ्ज आप पढ़ते हैं तो वो कोई अलग से तो बना नहीं होता, वो डेफिनेटली अल्फाबेट से बना होता है, वो डेफिनेटली एबीसी से बना होता है। सिंपल लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूं तो जाहिर है जब एबीसी में हमें पता होगा कि ए से लेकर जी तक 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, उन 26 अल्फाबेट्स के अलावा कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जो इंग्लिश का कोई लफ्ज बनाए। जैसा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान, पी ए के आई एस टी ए एन, पाकिस्तान, जिस तरह एक लफ्ज है तो आपने देखा ये पी ए के आई एस टी ए एन, ये तमाम जो इसके स्पेलिंग्स हैं ये डेफिनेटली अल्फाबेट्स हैं। तो दुनिया का कोई अंग्रेजी का लफ्ज वो इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर बनता है। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अगर हम अपने चिल्ड्रन बच्चों को, अगर हम अपने बड़ों को छोटों को जो कि इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, अगर हम उनको अल्फाबेट से आगे लेकर चले तो कोई शक नहीं रूल्स के मुताबिक, तो उनको साउंड्स बताएं कि किस तरह से किसकी साउंड बनेगी और कैसे वर्ड जो है वो अदा होगा, तो डेफिनेटली वो जो है वो वर्ड को फॉर्म कर लेंगे उसकी साउंड्स के हिसाब से ही, उसके स्पेलिंग्स भी जोड़ लेंगे और वो लफ्ज को पढ़ भी लेंगे जिस तरह से हम उर्दू सीखते हैं और उसमें तोड़ जोड़ करते हैं। तो है इसमें तो इतना मुश्किल नहीं है जितना उर्दू है, लेकिन अफसोस, हाँ अफसोस के इतना आसान होने के बावजूद फिर भी हमें इंग्लिश रीड करना नहीं आती। तो आइए आज मैं आपको अल्फाबेट्स का बाकायदा तौर पर तारफ करवाऊंगा। व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं, सार्क स्कूल सिस्टम में आप मौजूद हैं। आई एम प्रोफेसर अंजुम रजाहान और माई सेल नंबर इज 0300-8030-500। आप मुझे किसी भी वक्त कॉल भी कर सकते हैं कुछ सजेशन देने के लिए या मुझे अप्रिशिएट करने के लिए या कुछ पूछने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि एबीसी जो है वो छोटी हो या बड़ी, ठीक है, वो उसमें 26 लेटर्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं। उसमें 5 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको हम वॉवल्स बोलते हैं, वॉवल्स, वॉवल्स हैं ये, ए ई आई ओ यू, यानी 5 जो लेटर हैं वो है वॉवल्स। और एक बात बता दूं आपको, बड़ी अहम बात है ये, वॉवल्स की साउंड्स और इनके रूल्स अगर आपके दिमाग में बैठ गए जिस तरह मैंने पढ़ाने हैं, अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर देखते रहेंगे, हर आने वाला लेक्चर इंतहा इंटरेस्टिंग होगा और आपको हर बात की समझ आएगी। अगर आपको वॉवल्स के रूल्स आ जाएं, इंग्लिश रीडिंग समझ लीजिए 80% राउंड अबाउट विद वॉवल साउंड्स। और मेन मसला ही वॉवल साउंड्स में है। हमारे स्टूडेंट्स को वॉवल साउंड्स को ना सिखाया जाता है ना पढ़ाया जाता है, पता नहीं चलता। तो 5 लेटर जो हैं वो वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और बकाया जो 21 लेटर्स हैं वो क्या हैं? बाकी 21 लेटर्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। लिख लीजिए, बेशक मैं साइड पर हुआ हूं, आप पॉज कर लीजिए अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, तो आप देखें कि आपको बाकी जो है 21 लेटर्स वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं 21, ये 5 वॉवल्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इनकी साउंड्स और इनके बारे में मजीद तफसील होगी। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है नेक्स्ट, लेक्चर नंबर जो 2 है वो बड़ा ही अहम है, इसलिए उसको मिस नहीं करना। और आगे देखिए नेक्स्ट लेक्चर में इनकी साउंड्स और आपका सबक शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।